जान आ रहे हैं और त्रिपुरा में बीजेपी सीधा 8 सीटों पर लीड कर रही है। बीजेपी गठबंधन को 8 सीटों पर बढ़त, किसी और पार्टी का अभी तक खाता भी नहीं खुला है। नागालैंड में बीजेपी 3 पर लीड कर रही है और मेघालय में जो बीजेपी की सहयोगी है एनपीपी, उसको 1 सीट पर बढ़त दिख रही है। तो 3 जगहों पर चुनावी नतीजे आने और तीनों जगहों पर शुरुआत बीजेपी की अच्छी रही है। नागालैंड में 3 पर बीजेपी गठबंधन आगे, त्रिपुरा में 8 पर बीजेपी गठबंधन, और बोलते बोलते 10 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे हो गया और टीएमपी जो है वो 2 सीट पर आगे चल रही है। कांग्रेस गठबंधन का अभी खाता नहीं खुला है। अब बोलिए लोकेश भाई। देखिए, त्रिपुरा से उम्मीद की जा सकती है क्योंकि इससे पहले जो सरकार थी बिप्लब देव जी की, मानिक शाह जी जो वापस आए, निराशाजनक थी। काफी कॉन्ट्रोवर्सीज में वे घिरे भी रहे और कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा एक्सेसेस जो हुए थे पब्लिक के ऊपर, शादियों को रोक देना, डीएम ने जो है जाकर बदसलूकी करना और बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठकर आए थे जिससे लोगों के मन में आक्रोश है। तो त्रिपुरा से एक बहुत अच्छी उम्मीद जो है सीपीएम और कांग्रेस जिन्होंने इस कोएलिशन बनाया है उसे की जा सकती है। मेघालय में एक हंग असेंबली की तरफ बढ़ते हुई आसार दिख रहे हैं, आसार लग रहे हैं। और रही बात नागालैंड में कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। अब देखिए तो इलेक्शन का लोकेश भाई, यही आपका कमाल है, इतना ऑनेस्ट आदमी है आप, ये मुझे अच्छा लगता है कि आप पहले से ही जो है बहुत ऑनेस्टली बता रहे कि ज्यादा उम्मीद कहीं है नहीं। और त्रिपुरा में भी देखिए आपने थोड़ी उम्मीद जताई है, लेकिन मुझे तो लगता है आपको गठबंधन का नुकसान ही होगा। बीजेपी गठबंधन देखिए 16 सीट पर एकदम ताबड़तोड़ गति से आगे चल रही है त्रिपुरा में और टीएमपी 2 पर है। कांग्रेस गठबंधन का त्रिपुरा में अब तक खाता भी नहीं खुला है, बोनी भी नहीं हुई है। और मेघालय में आप देखिए बीजेपी 1 सीट पर आगे और उसकी गठबंधन की पार्टियां जिसके साथ वो सरकार चला रहे थे, अब तो अलग अलग चुनाव लड़ा, एनपीपी 1 सीट पर आगे, कांग्रेस का यहां भी खाता नहीं खुला है। और नागालैंड में बीजेपी गठबंधन 4 सीट पर आगे चल रही है। कहीं भी इस वक्त कोई और दूसरी पार्टी दिख नहीं रही है, लेकिन ये शुरुआती रुझान है, अब ये आंकड़े बदलेंगे।